Hey everyone, my name is Charu. I welcome you all in my channel Science Side. Today we will do journal science questions for your competitive exams. और जो चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को. हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. 15 क्वेश्चन हम टोटल कर चुके हैं, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पे. लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. द क्वेश्चन इज विच विटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट द जीरो थैलेमिया. जो थैलेमिया आपका डिजीज है, जो कौन सा विटामिन है जो इसकी इसको प्रिवेंट कर सकता है, कौन सा ऐसा विटामिन चाहिए मुझे जो इस डिजीज को रोक सकता है. तो ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें जो कॉर्निया है उसकी ड्राइनेस और इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाती है. कॉर्निया यानी आई के अंदर कॉर्निया का जो हिस्सा है, ठीक है, उसमें स्वेलिंग और ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है. तो आपको पता है कि आई से रिलेटेड कोई भी चीज हो जिसकी डेफिशिएंसी से डिजीज हो रहा हो, कौन सा विटामिन होता है, दैट इज विटामिन ए. तो विटामिन ए जो है, हियर इज द करेक्ट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए यानी दिस वन. ये है वो थ्योरी जिससे आपको पता चलेगा व्हाट इज दिस डिजीज, इसके सिम्टम्स क्या हैं. ड्राइनेस एंड द कॉर्निया ऑफ द आई जो है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है और ये रिलेटेड है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से. तो ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई द व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, उनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है. तो आपको पता है कि हमारे पास ब्लड में सेल्स होते हैं, है ना. ब्लड में हमारे पास आरबीसीज होते हैं, हमारे पास डब्ल्यूबीसी होते हैं, हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं और इसके अलावा बाकी जो फ्लूड पोर्शन है ब्लड का उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा. तो ये आगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेल्स वाला पोर्शन. इसमें से जो डब्ल्यूबीसी है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी इट डिफेंड द बॉडी. इम्यूनिटी, टी वाई, इम्यूनिटी यानी डिफेंड द बॉडी, उसका रक्षा कवच है डब्ल्यूबीसी जो है उसकी रक्षा करता है. क्यों? जितना भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट फाइट जो है वो डब्ल्यूबीसी करते हैं. और अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं बच्चे, क्योंकि इसके पास होता है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा. प्लेटलेट्स की बात करें तो इनमें कुछ प्रोटीन्स हैं जो कोएगुलेशन में हेल्प करती हैं, यानी खून का गाढ़ा हो जाना. आपको कभी भी कट लगता है तो ब्लड फ्लो होता रहता है, नहीं कॉन्टिन्यूसली वहां पे ब्लड फ्लो नहीं होता, किसी टाइम पे थोड़े टाइम के बाद ब्लड फ्लो होना रुक जाता है क्योंकि वहां पे कोएगुलेशन हो जाती है. इट इज बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स, इट कंटेन सम प्रोटीन्स, ठीक है. तो यहाँ पे डिफेंड द बॉडी जो है दैट इज द आंसर, दैट इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट हम चलते हैं, हेपेटाइटिस के बारे में पूछा है. हेपेटाइटिस इज द जर्नल टर्म फॉर अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय. हेपेटाइटिस जो है वो किससे होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये होता कहाँ पे है. लीवर में, लीवर में इंफ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, यानी स्वेलिंग हो जाती है लीवर की. तब हम बोलते हैं कि डॉक्टर से चेक करवाते हैं, हेपेटाइटिस निकलता है. अब लीवर के अंदर इंफ्लामेशन करी किसने, दैट इज कॉज्ड बाय वायरस. तो वायरल इंफेक्शन है ये. व्हाट इज दिस टाइप ऑफ इंफेक्शन, इज अ इट इज अ वायरल इंफेक्शन हेपेटाइटिस, जिसमें लीवर का इंफ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, यानी उसका स्वोलन होना. नाउ यहां से रीड कर लेते हैं क्या लिखा है. हेपेटाइटिस इज द इंफ्लामेशन ऑफ द लीवर. इंफ्लामेशन मतलब, इंफ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग हो जाना, फूल जाना. किसका, टिश्यू का. कहाँ पे टिश्यूज जो हैं अगर इन्फेक्शन से फूल रहे हैं तो कहाँ पे, लीवर के अंदर स्वेलिंग हो रही है और स्वेलिंग कॉज कौन कर रहा है, सम वायरस जो है वो वहां पे स्वेलिंग कर रहे हैं. दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर बन रहा है. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट. आपने कार्बोहाइड्रेट्स के नाम सुने हैं ना. कार्बोहाइड्रेट्स में आगे आप टाइप्स पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स, आप बोलते हैं डाइसेकेराइड्स, आप बोलते हैं ट्राइसेकेराइड्स. इस तरह से आप क्लासिफिकेशन जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की पढ़ते हैं ना तब आप उनको क्लासिफाई इस तरीके से करते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, ठीक है. और उनमें आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. आप पढ़ते हैं सुक्रोज की, आप पढ़ते हैं फ्रक्टोज की, आप पढ़ते हैं लैक्टोज की, आप पढ़ते हैं माल्टोज की, ठीक है. तो आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं आगे जब क्लासीफाई करते हैं. ग्लाइकोजन आप पढ़ते हैं, ग्लाइकोजन पढ़ते हैं, ग्लाइसीन नहीं पढ़ते. जब INE, थोड़ा हिंट देती हूँ, जब पीछे से ये नाम जुड़ता है ना, आर्जिनिन का नाम सुना होगा, ग्लाइसिन का नाम सुना होगा, ये अमाइनो एसिड्स हैं बच्चे,
जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तब उसको पता होगा कि मैंने ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड वो बताया था। तो इट इज अ अमाइनो एसिड, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ तक माल्टोस भी, फ्रक्टोस भी, ग्लाइकोजन भी, सुक्रोज भी, इस तरह से इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे स्टार्च का नाम सुना होगा आपने, दैट इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइसिन नहीं है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे नहीं पूछा था, इट इज नॉट एग्जाम्पल, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली मैच नहीं है। देखो हीमोग्लोबिन, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पे पाया जाता है, एक प्रोटीन है जो आपके ब्लड में पाया जाता है। तो यहाँ पे ब्लड लिखना चाहिए था, इन्होंने स्किन लिख दिया, गलत लिखा गया। तो नॉट करेक्टली मैच्ड। तो उसके बाद है विटामिन सी, नॉट करेक्टली, ये सही नहीं है। पर स्किन में ब्लड होता है तो ये थोड़ा सा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ब्लड तो लिखा नहीं। विटामिन सी जो आपका स्कर्वी है, दैट कॉज विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी आपको एक डिजीज होता है। स्कर्वी क्या है, जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन सी होता है, जितने भी खट्टी वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स में विटामिन सी होता है, खट्टे फ्रूट सब में सिट्रिक एसिड होता है यानी विटामिन सी होता है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। अगर हम उनको कंज्यूम ना करें जिनमें विटामिन सी जो है वो नहीं है, हम जिसमें विटामिन सी है हम उनको कंज्यूम ना करें, तो हमें स्कर्वी एक डिजीज हो जाता है जिसमें लूजनिंग ऑफ द गम्स, जो आपके टीथ के बीच में जो गम्स है ना वो लूज हो जाते हैं, वहां पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, या सीधे आप ये बोल सकते हो ब्लीडिंग ऑफ गम्स जब आप खट्टे फ्रूट नहीं खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट पोटैटो में बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। फैट और बटर, हाँ बटर में सबसे ज्यादा फैट्स होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो सिर्फ यही एक बात है जो मैच नहीं हो रही, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, यहाँ बिल्कुल सही। ऐसे तो स्किन में ब्लड होता है तो मान सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ब्लड लिखना चाहिए था, जैसे यहाँ पे हर किसी में डायरेक्ट आंसर लिखा है, दिस इज द ब्लीडिंग ऑफ गम्स जिसकी मैं बात कर रही थी बच्चे, उसकी पिक्चर भी मैंने यहाँ रखी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कॉम्युनिकेबल डिजीज। कॉम्युनिकेबल मतलब एक दूसरे से होने वाला, एक दूसरे से टच करके या एयर के थ्रू आप उस इंसान के पास जाते हैं तो उसका जो डिजीज है, इज स्प्रेडेड टू यू विद द हेल्प ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एयर या वाटर, वो आपकी तरफ जो है डिजीज स्प्रेड हो रहा है, तो इट इज अ कॉम्युनिकेबल डिजीज। कौन कौन से, जैसे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, इनका हम सुनते हैं। अस्थमा आपका एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो आप नहीं बोल सकते, जिसमें खांसी वगैरह होती है, उसके बाद ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आप इनहेलर से जो है ब्रीथिंग करना शुरू करते हैं, दैट इज अस्थमा, वो कॉम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। स्कर्वी अभी बड़ा, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी होता है, अगर आप खट्टे फ्रूट्स नहीं लेते हैं दैट ब्लीडिंग ऑफ गम्स विल अकर। तो स्कर्वी जो है इट इज नॉट अ कॉम्युनिकेबल डिजीज, बल्कि ये किसी की डेफिशिएंसी से हो रहा है। मीजल्स आप बोल सकते हैं, डायबिटीज भी कोई कॉम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। डायबिटीज मतलब हम बोलते हैं ना शुगर होगी, इनको मीठा खाने से मना किया है, वो क्यों, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन का बनना बंद हो गया है पैनक्रियास के अंदर, तो इंसुलिन करता है शुगर को कंट्रोल, लेकिन अब शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही क्योंकि इंसुलिन की फॉर्मेशन होना शायद बंद हो गई है बॉडी में, तो हमें डायबिटीज हो गया, तो ये भी एक कॉम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। मीजल्स है यहाँ पे करेक्ट आंसर, मीजल्स का मतलब होता है जब छोटे बच्चों में ना आप देखते हैं कि आपकी बॉडी के ऊपर ना दाने दाने से निकल आते हैं ब्लू या रेड कलर के, और उसकी वजह से आपको फीवर है, थोड़ी सी खांसी है, आपको डायरिया की प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, दिस चाइल्ड सफर्ड फ्रॉम मीजल्स, तो इसको थोड़ी सी खांसी है, हेडेक है, इसका गला सूख रहा है, सोर थ्रोट है, और बाकी सब जो जैसे चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स में हम देखते हैं ना वैसे वाले सिम्टम्स है, थोड़े थोड़े से दाने जैसे आपको दिख रहे होंगे, इनको बोलते हैं ब्लू रेड स्पॉट्स इन द माउथ, माउथ में भी दिख रहे हैं बाकी बॉडी में भी दिख रहे हैं, दिस इज कॉम्युनिकेबल डिजीज जिसको बोलते हैं हम मीजल्स। नाउ नेक्स्ट, तो आंसर दिखा देती हूँ, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा जो है सही मैच नहीं है। जब भी हम ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बात करते हैं तो हमें पता है कि वो लंग से एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो रेस्पिरेटरी डिजीज है तो लंग्स की बात तो आएगी ही आएगी, इसका मतलब ये बिल्कुल सही मैचिंग की है।
फिलेरिया आपका लिम्फ नोड्स से रिलेटेड है, ये भी बात बिल्कुल सही है। आपने एलिफेंटियासिस का नाम का डिजीज सुना होगा, जिसमें लिम्फैटिक सिस्टम के अंदर एक पैरासाइट है जो एंटर करेगा और लिम्फ नोड्स में वो स्वोलन कर देता है लेग को और फुट को, इसका स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। क्यों, किसने अटैक किया है, फिलेरिया नाम का। ये देखिए मैं पिक्चर भी दिखाती हूँ, दिस इज द पिक्चर, दिस इज द वर्म दैट एंटर इनटू द लिम्फैटिक सिस्टम और उसने वोलन फुट कॉज कर दिया है, जिसकी वजह से हम उसको नाम देते हैं एलिफेंटियासिस, लिम्फैटिक फिलेरियासिस। तो फिलेरिया एक ऐसा ये वर्म है जो एंटर करता है लिम्फैटिक सिस्टम में और कॉज करता है ये डिजीज। अगर थर्ड वाले की बात करें, सी सेक्शन की बात करें, सी ऑप्शन की बात करें, इंसेफलिटिस, इंसेफलिटिस का मतलब होता है आपका जो ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है। किसकी वजह से, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस जो है उसके अटैक करने से आपका जो ब्रेन है अगर उसमें स्वोलन जो है, इन्फ्लामेशन जो है वो अक्कर होना शुरू हो रही है, तो आप नाम देंगे इंसेफलिटिस। ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब ये एक ऐसी ऑप्शन है जो सही में मैच नहीं की। ल्यूकीमिया, जिसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ब्लड सेल्स के इंक्रीज हो जाने से बोन मैरो जो है, आपको पता ब्लड सेल्स कहाँ से फॉर्म होते हैं, बोन मैरो से। बोन मैरो ने बहुत ज्यादा से ज्यादा जो ये ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन करना शुरू कर दी है, तो हम बोलते हैं ल्यूकीमिया हो गया। ठीक है, ये एक ऐसी ऑप्शन है बच्चे सी जो मैच नहीं कर रही, तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, सबसे ज्यादा प्रोटीन का कंटेंट किसमें होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन बच्चे सोयाबीन में होता है। ये डायरेक्टली ही ऐसे ही सीख लो, उसके बाद ग्राउंड नट का नाम ले सकते हो, जो मूंगफली जो पीनट होते हैं ना उनका नाम ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अल्फा कैरेटीन एज प्रोटीन, प्रोटीन की जब हम स्ट्रक्चर करते हैं तब हम अल्फा बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनकी बात करते हैं ना, तो उसी के बारे में पूछा है। जो कैरेटीन वाला प्रोटीन है दैट इज अल्फा कैरेटीन एंड बीटा कैरेटीन, डिफरेंट होते हैं अल्फा कैरेटीन एंड बीटा कैरेटीन, कैरेटीन नहीं है। अल्फा कैरेटीन जो है बच्चे हमारे जो हेयर्स होते हैं ना, वैसे भी कैरेटीन तो हेयर कैरेटीन ट्रीटमेंट हम बोलते हैं ना, कैरेटीन ट्रीटमेंट करवाया है मैंने हेयर्स का, तो हेयर्स में और हमारे नेल्स में जो प्रोटीन है दैट इज अल्फा कैरेटीन और वूल में भी, और जो बीटा कैरेटीन है जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी स्किन में पाया जाता है, उनकी स्किन में, उनको एक प्रॉपर टेक्सचर देने के लिए और रफनेस देने के लिए बीटा कैरेटीन जो है इट इज प्रेजेंट इन द रेप्टाइल स्किन। तो अल्फा कैरेटीन प्रेजेंट है हेयर में, नेल में, वूल में, तो वूल यहाँ पे मेरे को करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, दैट इज ये रहा वो स्ट्रक्चर जिससे आपको क्लियर हो जाएगा अल्फा कैरेटीन और बीटा कैरेटीन। अल्फा आपका बीटा कैरेटीन जो है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स की तरह ही इसने अपना स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड शीट्स की तरह इसने अपना स्ट्रक्चर शो करा है, और ये हेलिकल स्ट्रक्चर शो कर रहा है अल्फा कैरेटीन। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, डी दैट इज वूल। नेक्स्ट, मशरूम्स क्या होते हैं भाई, मशरूम ना तो एनिमल से बिलोंग करते हैं ना ही प्लांट से बिलोंग करते हैं, ये फंजाई से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फंजाई एक आपका किंगडम है, इससे बिलोंग करते हैं, और कैसे होते हैं, फ्रूटनिंग बॉडी, फ्लैशी फ्रूटनिंग बॉडीज होती हैं, इस तरह से आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरह से आपने देखे होंगे, दीज आर मशरूम्स ग्रोन इन द स्मॉल शेड्स, जहाँ पे शेडेड एरिया होता है ना, वैसे भी जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं और बारिश होती है, वहां पे धूप नहीं है, तो नेक्स्ट डे आप देखेंगे जिस दिन बारिश होती है नेक्स्ट डे आपको मशरूम्स वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ऑल द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन, ये रहे मशरूम्स आपके, एंड दिस इज द नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइटिंग यानी डिफेंस प्रोवाइड करने वाले कौन होते हैं, हीमोग्लोबिन, नहीं ये तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, फेगोसाइट्स, हाँ जी ये बोल सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स, नहीं मैंने फिर से कहा इसमें हीमोग्लोबिन है तो ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं, तो कौन बचा है, ये हमारे पास बचा है फेगोसाइट्स, जिनको हम WBC कहते हैं, क्योंकि ये फाइट करते हैं। अब फाइट भी कैसे करते हैं, कि जैसे इनको लगता है बैक्टीरिया अंदर आ गया है तो फेगोसाइट्स इनगल्फ करते हैं, इनगल्फ करना यानी किसी को पकड़ के खा जाना, उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, खा जाने को, इनगल्फ करने की कैपेसिटी को, तो
और फेगोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जो इनगल्फ कर लेते हैं, ये हम WBC में पढ़ते हैं, और डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी फिर हमें ये ही जो है वो हेल्प करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका है बी, फेगोसाइट्स। नेक्स्ट ल्यूकीमिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब ब्लड जो है आपका जो बोन मैरो है जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है, वो बहुत सारे ब्लड सेल्स बनाए जा रहा है। आपको पता है एक्सेस ऑफ द सेल्स इन व्हेन फॉर्म इन द बॉडी, तो वहां पे हम बोलते हैं देयर इज अ कैंसरस सिचुएशन। तो जब बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं ना बोन मैरो के थ्रू, तब ल्यूकीमिया वाला जो डिजीज है वो हो जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर इन द ब्लड, बिल्कुल सही बात लिखी है। प्रिसाइजली वी कैन सी दैट ल्यूकीमिया अकर ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है, ल्यूकीमिया इज बिकॉज ऑफ मार्क्ड इंक्रीज ऑफ द वाइट ब्लड कॉर्पसल्स इन द ब्लड। WBC के इंक्रीज हो जाने से बहुत सारे WBC जो है वो एक्सेस में हो जाते हैं, जब इंक्रीज हो गए तब हम बोलते हैं कि ल्यूकीमिया AMI ल्यूकीमिया विल अकर। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द डिजीज एंड इट्स कॉजेस। करेक्ट पेयर ढूंढना है हमें, ठीक है, तो करेक्ट पेयर अगर ट्राइकिनियोसिस की बात करें तो बच्चे ये तब होता है, ये इंटेस्टाइन में ना, इंटेस्टाइन में अगर कोई पैरासाइट रहने आ जाए और उसके रहने से उसने ब्लीडिंग कॉज कर दी इंटेस्टाइन में, या कुछ बाकी इंफेक्शन कॉज करने शुरू कर दिए, तो ये तब होता है जब अनकुक्ड फूड हम खा लेते हैं ना, स्पेशली मीट वगैरह या पॉक वगैरह, तब जाके आपको ये डिजीज देखने को मिलता है। स्लीपिंग सिकनेस आपका सीसी फ्लाई जो होती है ये यहाँ लिखा है, तो ये भी इनकोरेक्टली मैच हुआ है, हमें तो करेक्ट पेयर ढूंढना है। एथलीट फुट फंगल इन्फेक्शन है, बिल्कुल सही बात है। एथलीट फुट का मतलब होता है कि जब आपके जो टोज होते हैं ना, पाओं की उंगलियां, उनमें आप बहुत ज्यादा खारिश, बरसात के मौसम में ऐसा देखने को मिला है कि फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है उन उंगलियों के बीच में ना, हम बार बार खारिश करते हैं, रेड कर देते हैं, और कुछ ऐसा देखने को मिलता है जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया, और वो स्किन ऐसे रफ हो जाती है, फटने जैसी शुरू हो जाती है, हम खारिश करे जा रहे हैं, इचिंग की प्रॉब्लम है हमें उस टाइम पे बहुत पे बहुत सारी। तो दैट इज एथलीट फुट, इट इज अ फंगल इन्फेक्शन। अगर लास्ट वाले की बात करें मेनिंजाइटिस, तो इट इज द ब्रेन में जो आपकी कवरिंग्स है ना, मेनिंजिस, प्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरिकनॉइड, जब उनकी इन्फ्लामेशन होती है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तब हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस हमें, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन की जो मेनिंजिस है, मेनिंजिस यानी जो कवरिंग है, प्यूरा मैटर, पाया मैटर, नाम एक दो ही लिखते हैं, तो इनकी इन्फ्लामेशन जब हो जाती है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस हो गया। तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो सही से मैच कर रही है। नेक्स्ट, दैट इज द 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल दैट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमारा जो हार्ट है, ठीक है, हमारा ये जो हार्ट है इसमें कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम, ये कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कौन सा है, राइट एट्रियम, और ये कौन सा है, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, सबसे पहला काम जो है स्टार्ट करने का वो कौन करते हैं, लंग्स करते हैं। क्या काम, मैं बोल रही हूँ कि ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के थ्रू इस चैम्बर में एंटर करेगी, लेकिन कौन हेल्प कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है पल्मोनरी वेन। अब कई बोलेंगे मैम आर्टरीज ऐसा करती है, भाई आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो आर्टरी है उसका क्या काम होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट से कहाँ लेके जाना, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाने का काम आर्टरीज का होता है, तो वेन्स का काम उल्टा होता है। लेकिन सिर्फ यही एक वेन है जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और लंग्स से ये किसको दे रही है, हार्ट को दे रही है, तो ये बात याद रखनी है। और फिर उसके बाद का सारा काम कौन कर रहा है, डिफरेंट आर्टरीज कर रही है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स का, ऐसे तो वेन्स का काम होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी ऑर्गन से उठा के हार्ट की तरफ लेके जाना, बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके जाना। लेकिन सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाती है, हार्ट से लंग की तरफ। तो देख लो भाई, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें से कौन, ऑटा, ऑटा तो वैसे ही ऑक्सीजनेटेड लेके आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी वैसे ही डीऑक्सीजनेटेड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कैरी दिस 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 कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हिपैटिक आर्टरी पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन के पास था कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी वेन के पास था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मैंने लिख दिया है। पल्मोनरी आर्टरी इट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो सारा आपको पता चल गया है, एक्सेप्शंस हैं, इनको याद रखना है आपने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डिजीज। अब कैरीज, अब बोलते हैं हमें टूथ कैरीज हो गई है, तो ये टीथ से रिलेटेड, जब लूजनिंग ऑफ द गम्स एंड द ब्लीडिंग ऑफ द गम्स आना शुरू हो जाता है, दैट इज कैरीज। रिंग वर्म फंगल इन्फेक्शन है, हम बोलते हैं ना दांत खाद खुजली होना शुरू हो गई है नेक में या फिंगर्स के बीच में, तो दैट इज रिंग वर्म। रिंग वर्म आपका जो है इट इज रिलेटेड टू द एपिडर्मल टिश्यू, यानी स्किन से रिलेटेड डिजीज है, और फंगल इन्फेक्शन भी आप बोल सकते हैं इट इज अ फंगल इन्फेक्शन। मेनिंजाइटिस अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये ब्रेन से रिलेटेड है, कि जो मेनिंजिस हैं, मेनिंजिस जो हैं, जो कवरिंग है, लेयर्स होती है ना ब्रेन के ऊपर कवरिंग, जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं, है ना, कुशन की तरह प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ये जो लेयर्स हैं, अगर कभी किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये स्वोलन हो जाए, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, तो ये उससे रिलेटेड है। एंड निमोनिया लंग्स से रिलेटेड है, निमोनिया के सिचुएशन में क्या होता है, जो पस है वो एयर सेक्स जो है आपके लंग्स के अंदर, आपने सुना होगा एल्वेलाई का नाम, दैट बिकम्स स्वोलन बिकॉज ऑफ द पस जो है अंदर फिल होना शुरू हो गए, जब आपको बहुत सर्दी खांसी जो है वो होना शुरू हो जाता है, तो पस गेट अक्यूमुलेटेड इन द एयर सैक और वो स्वोलन हो जाते हैं और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, यानी रेस्पिरेशन से रिलेटेड है निमोनिया आपका, दैट इज लंग्स से रिलेटेड है आपका, तो ये भी एक सही मैच है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ मैं फिनिश कर रही हूँ वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और सबकी हेल्प करिए, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू बच्चा।